स्पोर्ट्स शूज़ है। मैं जब भी रनिंग करने जाता हूँ या तो कहीं पे भी कोई भी मतलब एक्टिविटी होती है जो ट्रैकिंग के रिलेटेड होती है, तो मैं ये शूज़ में करता हूँ, क्योंकि ये स्केचर्स के शूज़ है और मेरे मतलब लाइक मेरे लाइफ टाइम का मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इस शूज़ के अंदर। तो ये दोनों अभी फाइट करते हुए, यहाँ पे जोरदार फाइट चल रही है, WWE की मैच चल रही है, और यहाँ पे प्लूटो ने बाजी मारते हुए अभी अभी राडो, देखो देखो अभी राडो राडो उसको बाइट कर रहा है, और प्लूटो राडो के पैर को कर रहा है बाइट। रुको 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 स्टार्ट करो 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 करो। अभी दोनों सोच रहे कि क्या करें, राडो के मन में है कि क्या करें, और देखो अभी प्लूटो ने शुरुआत करते हुए प्लूटो ने बाइट किया है और भाग रहा है, अभी भाग रहा है, दौड़म दौड़ी कर रहा है प्लूटो। ओके 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 भागा है अभी जोरदार तरीके से भागा है, और राडो स्व बचाव करते हुए लेकिन कर नहीं पा रहा है बेचारा। प्लूटो शांति। दोनों लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मस्ती पे आ गए अभी। प्लूटो कम यहाँ प्लूटो नो, देखो 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 ये हरामी, ए कम यहाँ स्टॉप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एंड अभी मैं मतलब जस्ट उठा हूँ, और अभी सबसे पहले वो जो कल जो दवाई का जो प्रॉब्लम हुआ था उसको हम सॉल्व कर देते, वो जो दवाई है वो लेकर आ जाते, एक बार दवाई आ जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नमू का जो दवाई है वो आई थिंक मिस था, मतलब गलत आ गया है, तो वो लाने का है, वो ऑफिस से ही मिलेगा, मतलब क्लिनिक से ही मिलेगा। तो फिर से वगैरह बटा जाना पड़ेगा, मोगा बटा जाके आते हैं, और फिर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा शूज़ का कलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड बस शुरू करते हैं। तो अभी हम फिर से आ गए हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन सेंटर पे, ये दवाई चेंज करने का वो प्रिस्क्रिप्शन तो भूल ही गया। हम देख सकते हो पूरा सुनसान है। तो अभी दवाई जो है वो एक्सचेंज, अरे यार ओके, तो दवाई अभी एक्सचेंज करवा दी है, और दोस्तों टाइम बहुत निकल चुका है, 2:19 हो गई है, और अभी जल्दी से घर निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरा शूज का कलेक्शन। तो दोस्तों जो गुड मॉर्निंग, अभी तैयार हो चुके हैं, और ये जो है नारियल पानी जो है वो दिन की शुरुआत जो होती है वो नारियल पानी के साथ करनी चाहिए, और गर्मी में तो बहुत अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छा है। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे शूज़ का कलेक्शन, तो पहले नारियल पानी ख़त्म करके फिर आपको एक चुटकी में मिलता हूँ। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को जो प्रॉमिस किया था उसके हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो मेरे पूरा शूज़ का जो कलेक्शन है वो ये है, और इस शूज़ के जो कलेक्शन के अंदर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो सब स्पोर्ट्स और कैजुअल शूज़ जो है वही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे सबसे फेवरेट, मतलब ये पूरे के पूरे बंच के अंदर जो मेरे सबसे फेवरेट है वो ये है, जो पुमा के हैं पावर ब्रेक वाले। तो ये जो है वो पुमा का एडिशन है, जो मेरे को बहुत ही फेवरेट है, मेरे फेवरेट शूज है ये, बराबर है। सो सबसे पहला कलेक्शन ये है। दूसरे इसके बाद के मेरे फेवरेट जो है वो ये है कि जो मेरे को नमू ने अभी अभी जस्ट गिफ्ट किए हैं, ये बेनेटन के शूज़ है, और इसका ये जो कलर कॉम्बिनेशन जो है ऑफ वाइट कलर के अंदर वो बहुत ही प्यारा है, और बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ है ये। तो ये बेनेटन के शूज़ है, और उसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ तो ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट्स शूज़ है। मैं जब भी रनिंग करने जाता हूँ या तो कहीं पे भी कोई भी मतलब एक्टिविटी होती है जो ट्रैकिंग के रिलेटेड होती है, तो मैं ये शूज़ में करता हूँ, क्योंकि ये स्केचर्स के शूज़ है और मेरे मतलब लाइक मेरे लाइफ टाइम का मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इस शूज़ के अंदर। तो ये एक अनदर बेस्ट शूज़ है। अगर उसके बाद में बताऊँ तो ये जो है वो नासा का एडिशन है शूज़ के अंदर, और ये बहुत ही प्यारे लुक में भी मतलब लाइक कुछ अलग ही तरह के क्या लुक है। अभी जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मेरे को कैसा है कि लुक में कुछ अलग टाइप का चाहिए। अभी
जो ये जो शूज है वो मैं जनरली मतलब मैं जब भी बाहर जाता हूँ या तो ड्राइविंग करने का होता है तो वो सब चीजें होती है, तो मैं ये शूज का जो यूज है वो करता हूँ। बहुत ही प्यारे शूज है और मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद अगर बात आएगी तो ये है, ये जो है वो मेरे नए शूज है और इसको अभी मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है, पर बहुत ही कंफर्टेबल शूज है और ये नमू ने मेरे को गिफ्ट किया था। और मतलब लाइक इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना शूज का, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, और ग्रिप भी बहुत प्यारी है। तो ये जो शूज है वो मैंने मिस्टर शूज करके जो कंपनी है, वैसे तो मैं ब्रांडेड है बाकी के सब, और ये भी ब्रांडेड ही है, ये मिस्टर शूज करके जो कंपनी है उसके शूज पहनता हूँ। बहुत ही प्यारे हैं। और ये जो नियॉन जो ये है ना वो रात में मतलब वो लाइट अप होता है तो बहुत बहुत प्यारा लगता है। फिर उसके बाद आता है ये यूएस पोलो के जो शूज है वो मतलब नॉर्मली है, मतलब इतना खास नहीं है, लेकिन जो इसका कंफर्ट है वो बहुत प्यारा है। इसका जो कुशनिंग है ना वो कुशनिंग भी अगर आप देखोगे तो ये कुशनिंग के अंदर डॉट्स डॉट्स है, तो जो जिसकी वजह से कैसा है कि कुशनिंग जो है वो बहुत ही प्यारा लेता है। एक्यूपंचर जो होता है वो उस तरीके का कुशनिंग रहता है, तो मेरे ये भी मेरे वन ऑफ फेवरेट है। ये भी ये जो आप नियॉन लाइट देख रहे हो मतलब ये जो है वो रात में लाइट अप होती है, वो हमने गोवा में गए थे और हमने ये पहना था, मतलब लाइक वो बहुत ही प्यारा था। तो दैट इज ये जो है वो सस्ते सुंदर टिकाऊ शूज है, अपने एशियन कंपनी के है। और ये जो शूज है वो जनरली मतलब मैं मतलब ऐसे कोई ऐसे ही कहीं पे जाने का हुआ या कुछ भी हुआ तो पहन लेता हूँ। बाकी ये शूज मतलब ठीक है, अभी इतने खास नहीं है क्योंकि इसका जो ग्रिप का प्रॉब्लम है ना वो मेरे को बहुत ज्यादा रहता है। ये जो शूज है ना वो जब ट्रैकिंग है ऐसा कुछ होता है तो वो थोड़े वो होते हैं, तो जरा थोड़ा वो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो ठीक है, ये मतलब ठीक ठाक शूज है। फिर उसके बाद आता है ये वाला नाइकी का कलेक्शन, जो मतलब इसके अंदर जो ये है वो मूव होते, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। मैंने बहुत रेयर केसेस के अंदर इसको पहना है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनता हूँ ये शूज़ को, लेकिन बहुत रेयर केस में पहनता हूँ और बहुत ही प्यारे शूज़ है। ये नाइकी के है और मतलब अच्छा है। मैंने दुबई में गया था मैं, तो मैंने ये जो शूज़ है वो मैंने पहनी थी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अ काइंड ऑफ यू नो बूट काइंड ऑफ यू नो साइज, और ये जो है वो भी नाइकी का कलेक्शन है, नाइकी एयर का कलेक्शन है और ये जॉर्डन वाला कलेक्शन है। इसके अंदर जो है वो मतलब जो कुशनिंग आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी कुशनिंग जो है वो यहाँ पे देख के रखी हुई है। यहाँ पे चोर पॉकेट भी दिया हुआ है, अगर आपको मतलब कोई भी चीज़ें है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। और ये इतना बड़ा जो चीज़ है मतलब लाइक ये पहनता हूँ ना तो मतलब ऐसा लगता है कि एक भारी भरकम चीज़ जो है वो पहन ली है मैंने। और मतलब जनरली मैंने उसको विंटर में पहना है, विंटर में मतलब बिल्कुल भी प्रॉब्लम, थोड़ा भी मतलब लाइक ठंडी नहीं लगती है पैरों में, मतलब बहुत अच्छा रहता है। और इसका जो लॉक दिया हुआ है वो लॉक भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, तो मतलब जो जो शूज़ है ना वो बहुत प्यारे, मतलब ये लॉक वाला मेकेनिज्म तो बहुत प्यारा है। और ये भी मेरा एक वन ऑफ फेवरेट शूज़ है क्योंकि इसका भी अगर आप देखोगे तो ट्रैकिंग और वो सब में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ये है, बट अगर मैं बताऊँ ना तो ये इसका जो थोड़ा साइज का जो है वो मेरे को वो ऑनलाइन किया था, ये जो साइज का एक साइज मेरे को बड़ी लगती है इसकी, बाकी के सब एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये सब शूज के अंदर मेरे सबसे फेवरेट ओनली एंड ओनली टू शूज विच आर माई फेवरेट, ये एक पुमा के पुमा का एडिशन और एक ये वाला। तो दोस्तों यही था मेरा शूज कलेक्शन, आई होप आपको मेरा शूज कलेक्शन जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और हम ऐसे ही आपको जो वीडियोस है वो बताते रहेंगे। बाकी दोस्तों मुझे भी पता है कि यू नो जो ड्रोन है, जो गोप्रो के कैमराज है, जो 360 कैमराज है, वो सब क्लोजेट में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, लेकिन कैसा है कि ये जो सिचुएशन ऐसा है कि जहाँ पे हम बाहर नहीं जा सकते, जहाँ पे हम मतलब घूम नहीं सकते, तो मैं आपको कोई दूसरी नई नई चीज़ें जो है वो मैं नहीं दिखा सकता, तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम
जो घर पे बैठे बैठे ही ब्लॉग करे, घर पे बैठे बैठे ही आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिखाए। तो अगर आप अग्री करते हो और अगर आपको अच्छा लगता है तो डू कमेंट लाइक एंड शेयर, और इसको सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। बाकी जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी और ये कोरोना जब एक बार मतलब ये जो खौफनाक जो चीज़ है वो ख़त्म होगी, तब क्या है कि हम फिर से अच्छी तरीके से राइड कर पाएंगे और अच्छी तरीके से आपको नई नई चीज़ें दिखा पाएंगे। बस तो व्लॉग में अभी तक यहाँ पे इतना ही रखते हैं, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या।